हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक और बार स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी यहां पर जो रिलीज़ की गई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट यहां पर शामिल की गई है। और देखिए, बम्पर रिक्रूटमेंट यहां पर आया हुआ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, 7812 वैकेंसी यहां पर रिलीज़ की गई है। और देखिए, आप लोगों को यहां पर आवेदन करना है। तो देखिए, आवेदन आपको कब से कब यहां पर करना है, आवेदन करने के लिए लास्ट डेट यहां पर क्या रहेगी, पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी शामिल की गई है, वैकेंसी यहाँ पे कितनी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन के तौर पे योग्यता आपसे यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहेगा, कितनी उम्र तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी पैकेज यहाँ पे क्या रहने वाला है पर मंथ बेसिस पे, और देखिए पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे कवर करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट क्या यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे या नहीं, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है, सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आ रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसीज की ओर। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज़ की गई है, नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे रहने वाली है। एनएचएम महाराष्ट्र द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। और एनएचएम महाराष्ट्र के अंतर्गत जो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आरोग्य अभियान है, इनके द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी लोग कोर्स के बारे में जान लें, 6 से 8 मंथ का जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपका यहाँ पर रहेगा, ट्रेनिंग सेशन रहेगा 6 से 8 महीनों का। इसमें आप सभी लोग जो है ट्रेनिंग अपने यहाँ पर करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर प्रोग्राम स्टडी सेंटर रहेगा, जो भी आपका यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, और फाइनली जो है हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाके आप लोगों को यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो 6 से 8 मंथ की मीन्स 6 से 8 मंथ की जो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन रहेगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ये जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इनके द्वारा यहाँ पे रहेगा, जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पे रहने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी टेबल दी जा रही है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे वैकेंसी इंक्लूड की गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट है CHO की पोस्ट यहाँ पे रहेगी। और देखिए, सबसे पहली योग्यता के तौर पे आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन, कहने वाली बात है BAMS वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। BAMS वाले डॉक्टर जो यहाँ पे रहते हैं आयुर्वेद वाले, वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, या फिर देखिए बैचलर इन यूनानी मेडिसिन, जो यहाँ पे देखिए BUMS वाले कैंडिडेट रहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, बोला जा रहा है बैचलर्स इन नर्सिंग, कहने वाली बात है BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, साथ ही साथ देखिए, ये क्वालिफिकेशन तो आपके पास यहां पे होने चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन हो तीनों में से। और यहां पे देखिए, और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है आपको रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है महाराष्ट्र काउंसिल का, जो कि इंडियन मेडिसिन के अंतर्गत यहां पे रहता है। कहने वाली बात है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जिन कैंडिडेट्स के पास है वही यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई ना करें, और यहां पे वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास पंजीयन है महाराष्ट्र काउंसिल का या फिर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपसे यहाँ पे कवर कर ली है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो देखिए, काफ़ी जगह यहाँ पे दी जा रही है और करीब करीब जो है 27 यहाँ पे नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है। इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज को लेकर। तो देखिए, आपको जो है पर मंथ बेसिस पे जब आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी 6 मंथ या फिर 8 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी, आपको स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा 10,000 रुपये पर मंथ। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली पर मंथ बेसिस पे जो है 25,000 रुपये आपको सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा। और देखिए, परफॉर्मेंस के आधार पे जो अदर इंसेंटिव रहते हैं 15,000 रुपये, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज दिया जाएगा। कहने वाली बात है ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाने के बाद जो है 40,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, NHM के जो रूल्स यहाँ पे रहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी। तो देखिए, बोला जा रहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई इन द एनक्लोज्ड एप्लीकेशन। कहने वाली बात है आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को लिफाफे में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना है। और देखिए, फीस के लिए आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे भेज देनी होगी। इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे नीचे बता दूंगा कहाँ पे भेजना है आपको। और यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th क्लास से लेकर आपकी डिग्री तक, जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है और जो भी आपका यहाँ पे रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का जो आपका यहाँ पे डोमिसाइल रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ पे भर के भेज देनी है। और देखिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको यहाँ पे भेजनी होगी। और देखिए डिमांड ड्राफ्ट जो आप लोग यहाँ पे बनवाएंगे बैंक द्वारा, तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी आप लोगों को यहाँ पे इसकी यहाँ पे रेसिप्ट है वो आपको यहाँ पे भेजनी होगी। और देखिए बोला जा रहा है डिमांड ड्राफ्ट एट ऑफिस, ठीक है, तो ये ऑफिस में आपको यहाँ पे भेजनी है, ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर रिस्पेक्टिव, आपका जो भी यहाँ पर चॉइस यहाँ पर रहने वाला है। तो चॉइस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। और देखिए लास्ट डेट आपको यहाँ पे दी जा रही है 6:15 बजे और 18 जुलाई 2020। और देखिए बाई पोस्ट द्वारा भेजना है, बाई हैंड द्वारा भेज सकते हैं, बाई कुरियर द्वारा भेज सकते हैं, तो ये माध्यम आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब देखिए जो आप लोग जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, ये बनवाना है आपको DDHS थाने, जैसे कि देखिए थाने में कौन कौन से जिले यहाँ पे रहेंगे, थाने रायगढ़ और पालघर, तो देखिए वो कैंडिडेट जो है DDHS थाने का ये जो है डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाएंगे। जैसे देखिए नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव और देखिए नंदुरबार, जो यहाँ पे जगह यहाँ पे बताई जा रही है, तो देखिए DDHS जो रहेगा यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो नासिक, इसके नाम पे बनेगा। और देखिए पुणे, सोलापुर और सतारा, तो देखिए वो कैंडिडेट जो है यहाँ पे DDHS जो है पुणे द्वारा ये डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाएंगे। ऐसे ऐसे करके ही आप लोग को अपना डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाना है। इसका एड्रेस मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे बता दूंगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में आपको यहाँ पे वो ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा नीचे की तरफ दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया है। एज क्राइटेरिया आप सभी लोग यहाँ पे जान लें, तो देखिए बोलते हैं एज क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी, जितने भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी देखिए उम्र जो है 38 साल तक यहाँ पे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पे ना हो। जितने भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी उम्र देखिए 43 ईयर्स यहाँ पे डिसाइड कर रखी है। और देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो रिलैक्सेशन कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। और यहाँ पे देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बनवाना है, तो देखिए ₹350 का बनेगा ये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे, और ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट उन कैंडिडेट के लिए बनेगा जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट जो है नेशनलाइज बैंक से ये आपका बना हुआ जरूरी है। और देखिए ये किसके फेवर में बनेगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, जो भी आपका जोन है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया DDHS पुणे है तो DDHS पुणे के अंतर्गत बनेगा, DDHS नासिक है तो नासिक के अंतर्गत बनेगा, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए बोला जा रहा था द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट सिलेक्टेड एग्जाम सेंटर, जो भी है आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। और देखिए ये जो एग्ज़ाम है आप लोगों का 50 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे, और देखिए एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, कहने वाली बात है 50 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। और देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोला जा रहा है देयर विल बी नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, और द मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 40 मार्क्स, कहने वाली बात है आप लोगों के 40 मार्क्स आना यहाँ पे ज़रूरी है कम से कम, तभी आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन के यहाँ पे पात्र रहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, 40 मार्क्स का मतलब यह है 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होना चाहिए 50 क्वेश्चन में से। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता दिए जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक से ये पूछा जाएगा, बड़ा ही बेसिक सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट जो रहते हैं पब्लिक हेल्थ, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, न्यूट्रिशनल, और देखिए स्किन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें से देखिए 50 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स का प्रति प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है, और 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहेगा जिसमें से 40 मार्क्स लाना आपका यहाँ पे अनिवार्य है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी रिजल्ट की वो देखिए डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे वेबसाइट रहती है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे आपको यहाँ पे एक बॉन्ड भरना होगा, बॉन्ड की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सिलेक्शन हो जाने पर देखिए कैंडिडेट हैज़ टू साइन अ बॉन्ड, मीन्स 1 लाख यहाँ पे देखिए ₹3,000 का आपको यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे साइन करना होगा, जो भी आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, और 3 साल की जो आपका यहाँ पे कोर्स यहाँ पे है, और यहाँ पे सहमति का रहेगा कि आप लोग जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे अपना प्रशिक्षण यहाँ पे ले रहे हैं। तो 1,03,000 का ये बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। अब अंत में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है,
और इसी PDF के नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखिए सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डालना होगा, जो भी आपका यहाँ पे जिला है, जो भी देखिए कौन सी पोस्ट के लिए। तो देखिए एक ही पोस्ट है यहाँ पे और पोजीशन जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। और आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पे दर्ज करें, आप लोगों को अपना नाम यहाँ पे दर्ज करना है, अपने फादर का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका ब्लड ग्रुप है, मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। और देखिए आप लोग शादीशुदा हैं तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो लिखेंगे। एग्जिटिंग, अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे NHM के एम्प्लॉई हैं तो यस लिखें यहाँ पे नो। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन आप लोग यहाँ पे फिल करना है। और देखिए रिलीजन कैटेगरी जो है आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी रहती है, और यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों को अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर यहाँ पे सेम रहते हैं तो दोनों सेम कर सकते हैं, और अलग अलग है स्थायी पता और आपका परमानेंट पता, तो आप लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी होगी, और यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव में ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी है। लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे लिखनी है, जो लैंग्वेजेस आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश लिखें, हिंदी जानते हैं तो हिंदी लिखें। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे यस लिखेंगे तो इंग्लिश के आगे इस तरीके से, हिंदी के आगे इस तरीके से, मराठी है तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए अदर कुछ और जानकारी है आपके पास लैंग्वेज से जुड़ी हुई तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अगर आप लोगों के पास है, कंप्यूटर चलाने का थोड़ा बहुत अगर आपके पास यहाँ पे ज्ञान है तो आप लोग यहाँ पे यस लिखें और यहाँ पे जानकारी लिख सकते हैं। और देखिए आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन भेजनी है, मीन्स 10th क्लास की मार्कशीट की जानकारी भेजनी है, 12th क्लास की मार्कशीट की जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। और ठीक है कौन से स्कूल से है, क्या आपके सब्जेक्ट रहे हैं, कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। डिग्री है, डिप्लोमा है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। एक्सपीरियंस का भी कॉलम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखें, एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप लोग एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस का ब्यौरा आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। कब से कब तक का ये एक्सपीरियंस रहेगा, कौन से इंस्टीट्यूट से है, कौन सी संस्था से है, पोस्ट आप लोगों की क्या थी और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे जो है आप लोग जानकारी प्रोवाइड करा दें। कितने मंथ और कितने ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है ये जानकारी भी दें। और देखिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस की पोस्ट जो आप लोग अप्लाई करेंगे ये इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप वर्कशॉप तो आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपके यहाँ पे रहती है, अगर नहीं है तो बिल्कुल, अन्यथा आप लोग यहाँ पे छोड़ दें। और फाइनली जो है आप लोगों को डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन करना है, नेम प्लेस और डेट ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और फाइनली जो है आप लोगों को यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है। और सबसे नीचे देखिए आप लोगों को एड्रेसेस दे दिए गए हैं, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बनवाना होगा तो देखिए एड्रेसेस आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे DDHS थाने का है तो डिमांड ड्राफ्ट है तो देखिए उसके लिए एड्रेस ये रहेगा, नासिक का है तो उसके लिए एड्रेस ये रहेगा, और देखिए पुणे का है तो उसके लिए एड्रेस, उसी हिसाब से आप लोगों का जो भी यहाँ पे जिला रहेगा उसी हिसाब से आप लोग जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं और एड्रेस उसमें अपना वहाँ पे सबमिट करें। और एप्लीकेशन फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको भेजना ही है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे भेजना है। डॉक्यूमेंट्स में 10th क्लास की मार्कशीट हुई, 12th क्लास की मार्कशीट हुई, जो भी आपके ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भेजनी है। रजिस्ट्रेशन और देखिए जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, अनुभव प्रमाण पत्र हुआ, आपका एक्सपीरियंस हुआ, डोमिसाइल प्रमाण पत्र हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे भेजना है। और डिमांड ड्राफ्ट की रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लिफाफे में बंद करके यहाँ पे भेजना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की है, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सबसे नीचे की तरफ देखिए, इसके नीचे आपको जो है पूरी वैकेंसीज़ का आपको ब्यौरा दिया जा रहा है, जैसे कि देखिए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है, 517 टोटल पोस्ट यहाँ पे रहेंगी सभी कैटेगरीज को मिला के। उसके बाद देखिए आगे के जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं और अलग अलग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे नासिक का है और उसके बाद देखिए आगे पुणे का है और देखिए आगे और भी यहाँ पे जो है आप लोगों को सभी यहाँ पे सभी आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो करीब करीब जो है सभी वैकेंसीज़ को जब आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, 7812 वैकेंसीज़ पर ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। अप्लाई आप सभी लोग यहाँ पे जरूर करें, इस मौके को बिल्कुल भी यहाँ पे ना गंवाएं। और सिर्फ मध्य महाराष्ट्र राज्य के ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया। तो दोस्तों अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक कर दें इस वीडियो को, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। उम्मीद करता हूँ अपडेट से कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पे जरूर प्राप्त हुई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना है, सभी लोगों को बता दें। वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई हैं, बम्पर रिक्रूटमेंट यहाँ पे आया हुआ है, 7812 वैकेंसीज पे ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। सभी लोगों को ये जानकारी यहाँ पे शेयर करें, इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स लोगों में, और सभी लोगों को बोलें कि यहाँ पे अप्लाई जरूर करें।
लास्ट डेट आपको मैंने बता दी है 18 जुलाई 2020 यहाँ पे रहने वाली है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और चाहते हैं हर एक जानकारी जो स्वास्थ्य विभाग में आ रही है, जितनी भी सरकारी भर्ती इन्फॉर्मेशन आगे भी इसी तरीके से आपको मिलते रहे, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन और स्वास्थ्य विभाग की हर सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।